नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड का रिव्यू और अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड में बोंदिता के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार दिखाया जाएगा कि दर्शकों के लिए आज का एपिसोड देखना काफ़ी मुश्किल जाएगा। माना कि ये कहानी उस जमाने की है जब हमारे देश में कोई कानून नहीं था जो महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए, लेकिन फिर भी प्राइम टाइम के शो में एक बच्ची के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार देखना बहुत बुरा लगता है। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि बोंदिता की माँ जब राशन लेने जाती है तो दुकानदार उसे ये कह के मना कर देता है कि तुम्हारी बेटी एक छोड़ी हुई औरत है और तुम दोनों को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा इस गांव से दाना पानी हमेशा के लिए उठ गया। इधर बोंदिता बेचारी ढेर सारे कपड़े धोती रहती है और याद करती है कि उसने एक बार पति बाबू से पूछा था कि औरतों को कितना काम करना पड़ता है, घर के सारे कपड़े पर्दे सब कुछ धोने पड़ते हैं, उनके हाथों में दर्द हो जाता है। आप तो चाहते हैं कि औरतों का कल्याण हो, तो इस बात के लिए हमें क्या करना चाहिए? अनिरुद्ध ने कहा था कि इसका एक छोटा सा हल है, औरत और आदमी को मिलके काम करना चाहिए। पति पत्नी अगर मिलके काम करें तो पत्नी पे कभी भी काम का बोझ नहीं पड़ेगा। अनिरुद्ध ने बोंदिता को बताया रहता है कि गांधी जी भी अपने कपड़े खुद धोते हैं और अपने सारे काम खुद करते हैं। बेचारी मासूम बोंदिता सोचती है कि शायद मैं यहाँ आ गई तो पति बाबू को भी इतने ही काम करने पड़ रहे होंगे और उसे पति बाबू की फिक्र होने लगती है। वो दुर्गा माँ से कहती है कि मेरे पति बाबू को इतने काम ना करना पड़े। इधर गांव के बच्चे बोंदिता से कहते हैं कि तुम्हारी माँ गड्ढे में गिर गई है। बोंदिता भागती हुई जाती है तो गांव के बच्चे उसे डंडे से गिरा देते हैं और रस्सी से बांध देते हैं एक पेड़ के साथ, और इसके बाद पूरे गांव के लोग उसे छोड़ी हुई औरत कह के गोबर डाल डाल के उसका अपमान करते हैं। बोंदिता जोर जोर से चिल्लाती है कि मैंने क्या किया है। वो अपने पति बाबू अपने रक्षक बाबू को आवाज़ देती है, लेकिन उसके रक्षक बाबू तो कहीं और ही फंसे हुए हैं। पति बाबू तो नहीं, लेकिन बोंदिता की रक्षा करने आती है उसकी माँ। उसकी माँ दुर्गा का रूप ले लेती है और अपने हाथ में एक हसिया लेके गांव वालों के सामने तन के खड़ी हो जाती है और कहती है कि जो माँ अपने बच्चे को खून से सींच सकती है वो अपनी बच्ची के लिए किसी का खून भी कर सकती है। बोंदिता की माँ दुर्गा का रूप लेके बोंदिता की रक्षा करती है। पहली बार बोंदिता की माँ का रोल बहुत अच्छा और दबंग लगा। एक और तो बोंदिता जिसने कोई अपराध नहीं किया उसे समाज छोड़ी हुई औरत कह के उसका तिरस्कार कर रहा है, उसके ऊपर गोबर फेंक रहा है, और वही है सौदामिनी। सौदामिनी अपने ऊपर खुद ही गोबर लगा रही है और अनिरुद्ध के सामने ये नाटक कर रही है कि उसे समाज से तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। उसे तो कहीं मंदिर में भी शरण नहीं मिल रही, उसके पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया है। अनिरुद्ध बाबू को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि जब सौदामिनी को इतना तिरस्कार झेलना पड़ रहा है जैसा कि वो बता रही है, तो फिर बोंदिता जो कि बेचारी बहुत गरीब लड़की है जिसकी माँ भी एक विधवा है, उसे गांव में क्या क्या झेलना पड़ेगा? उसके गांव के लोग तो उसे सती तक करना चाहते थे, तो अब उसका क्या हाल करेंगे? एक बार भी अनिरुद्ध ये बात नहीं सोच पा रहा। सौदामिनी की हालत देख के अनिरुद्ध कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं समाज से तुम्हारे लिए लड़ूंगा। लेकिन त्रिलोचन काका कहते हैं कि अब तुम्हें सौदामिनी की इज्जत की रक्षा करनी पड़ेगी और तुम्हें सौदामिनी से शादी करनी पड़ेगी। अनिरुद्ध कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन त्रिलोचन काका ये आदेश दे देते हैं कि दो दिन बाद अनिरुद्ध की सगाई है। इधर बोंदिता को हिचकी आती है और साथ साथ अनिरुद्ध को भी हिचकी आने लगती है। बोंदिता को हिचकी आती है तो एक बार फिर से वो नारियल के खोखे से टेलीफोन बना के बोंदिता की माँ बनके अपने पति बाबू से बात करती है और कहती है कि जमाई बाबू, बोंदिता बहुत मुसीबत में है, लेकिन मैं उसकी मुसीबत की बात आपसे नहीं करना चाहती। बोंदिता ने मुझे बताया था कि आपने उसे समझाया है कि अगर किसी को हिचकी आए तो इसका मतलब उसका कोई करीबी मुसीबत में है, आप किसी मुसीबत में तो नहीं। हालांकि मुझे यकीन है कि आप बहुत समझदार हैं
और हर मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। भाई मानना पड़ेगा बोंदिता को, उसे अपनी मुसीबत से ज्यादा अपने पति बाबू की मुसीबत की फिक्र है। इधर उसके पति बाबू भी बोंदिता को याद करते हैं और कहते हैं कि बोंदिता तुम तो अपनी माँ के साथ होगी और हालात का मुकाबला अच्छे से कर रही होगी, लेकिन मैं बहुत परेशानी में हूँ। लेकिन अनिरुद्ध फिर उस परेशानी का सारा दोष बोंदिता पे मर देता है। वो कहता है कि तुमने जो झूठ बोला जिसकी वजह से मुझे तुम्हें घर से निकालना पड़ा और अब तुम्हारी ही वजह से मुझे सौदामिनी से सगाई करनी पड़ रही है, यानी सारा कसूर सिर्फ बोंदिता का है। अनिरुद्ध बहुत रोता है लेकिन दर्शकों को उससे जरा सी भी सहानुभूति नहीं हो पाएगी। अनिरुद्ध आज जिस मुसीबत में है उसका जिम्मेदार वो खुद है। उसने बोंदिता का सच जानने की कोशिश भी नहीं करी और उसे घर से निकाल दिया, और अब जब बोंदिता उसकी ज़िंदगी में नहीं है तो उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि बोंदिता उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी और अब उसकी ज़िंदगी में सौदामिनी की कोई जगह नहीं है। वो किसी भी हालत में सौदामिनी से शादी नहीं करना चाहता। सीरियल बैरिस्टर बाबू में आगे हमें देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध की सगाई के दिन तसिया बाई नाच करेगी और उसे इस बात का एहसास दिलाएगी कि उसने ऐसा वादा किसी और से भी किया है। अनिरुद्ध को अपनी गलती का एहसास होगा। वही संपूर्णा भी उसे बता देगी कि बोंदिता ने ये सब कुछ संपूर्णा के लिए ही किया है। अनिरुद्ध को अब जाके समझ में आएगा कि बोंदिता जो इतनी अच्छी लड़की है वो क्यों खामोश रही। वो सिर्फ अपनी बहन का शादीशुदा जीवन बचाना चाहती थी। अनिरुद्ध साइकिल लेके बोंदिता को ढूंढने जाएगा। इधर गांव वाले बोंदिता को अपने गांव से निकालना चाहते हैं। अनिरुद्ध को बोंदिता गांव में मिल पाएगी कि नहीं, यही सब हमें आगे बैरिस्टर बाबू में देखने को मिलेगा। बोंदिता के साथ इतना अत्याचार दिखाया जा रहा है कि दर्शक अब मेकर से उम्मीद रखते हैं कि आने वाले एपिसोड में बोंदिता के साथ कुछ न कुछ अच्छा तो जरूर दिखाया जाए। तो दोस्तों ये था आज के एपिसोड का मेरा रिव्यू। आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है सईदा, सुप्रिया, सामीन, माशमूमा, अजंता, प्रिया और हर्षना। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैरिस्टर बाबू के अगले एपिसोड का रिव्यू और अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।